सांसद बालकनाथ के अलवर प्रवास के दौरान ब्रज भूमि कल्याण परिषद के कार्यकर्ता और एनईबी दाऊदपुर के निवासी डॉक्टर पंकज गुप्ता राष्ट्रीय संयोजक ब्रज भूमि कल्याण परिषद के नेतृत्व में सांसद से मिले और सुभाष पार्क में स्थित खंडित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा खंडित को बदलकर नई मूर्ति लगवाने का निवेदन किया, जिसे सांसद ने स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा कि आप उसको जीर्णोद्धार करवा ले, मूर्ति वो दे देंगे। ज्ञात रहे कि ब्रज भूमि कल्याण परिषद ने इस वर्ष 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती सुभाष पार्क में मनाई थी। वहां की दुर्दशा को देखकर ब्रज भूमि कल्याण परिषद ने उस पार्क को गोद लेने और नई मूर्ति लगाने का वादा किया था। वह वादा पूरा करने के लिए ब्रज भूमि कल्याण परिषद लगातार काम कर रही है, जनसंपर्क कर रही है और सरकार के नुमाइंदों से मिलकर सुभाष पार्क का जीर्णोद्धार कर मूर्ति लगवाने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर ब्रज भूमि कल्याण परिषद से प्रदेश महासचिव प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर अध्यक्ष यशवंत कुमार गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद से नरेश धानावत, अश्विनी, मनोज कुमार शर्मा, हरिराम शर्मा, संत राम अरोड़ा, राजेंद्र सिंह, बंटी सरदार, शैलेंद्र, गोपाल गांधी, मान सिंह चौधरी, देशराज, लीला राम, हंसराज, चरण सिंह, करण सिंह एवं एनईबी क्षेत्र से दर्जनों की संख्या में मोहल्लेवासी मौजूद थे। बताइए। सभी जिलेवासियों को मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता, राष्ट्रीय संयोजक ब्रज भूमि कल्याण परिषद, दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कोरोना काल के 2 साल के अंतराल के बाद ये दिवाली आई है और हमारे देश में खुशहाली रहे, हमारे देश की जो जनता है वो सुखी रहे, खुशहाल हो, संपन्न हो। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपने राष्ट्र की खुशहाली के लिए अपने जो देसी उत्पाद हैं वो खरीदें, हिंदुस्तान की बनी हुई चीजें खरीदें, गली मोहल्ले के जो छोटे दुकानदार हैं उनसे चीजें खरीदें, क्योंकि जब अपना छोटा दुकानदार, अपना जो है गली मोहल्ले का दुकानदार, आम नागरिक जब खुशहाल होगा तो हम सब खुशहाल होंगे, सबके चेहरे कैसे खिलेंगे। तो ये जो है दीपावली सबके पूरे देशवासियों के चेहरे पर रौनक लेके आए और हमारा देश विश्व गुरु बने। हम जो है स्टार्टअप में आगे बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ रहे हैं, तमाम तरह की चीजों में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि हम जो है मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हमारे राष्ट्रनायक जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और स्टार्टअप करें, कोई ना कोई उद्यम करें, और जो अपना पुराना एक सिस्टम है कि नहीं नौकरी नौकरी की चाह को छोड़ें और कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करें और अपना उद्यम स्थापित करें। एक नौकरी लेने से अच्छा अगर आप 10 लोगों को नौकरी दोगे, उससे जो है अपने देश का ज्यादा बढ़ावा होगा, ज्यादा फायदा होगा। तो मैं यही सबको कहते हुए सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।